हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और एम्स एनसीआई झज्जर की वैकेंसीज अपडेट के साथ आप सभी के बीच और ज़बरदस्त सा नोटिफिकेशन है। आई होप आप सब ने इसका फॉर्म भरा होगा और आप सब इस वैकेंसीज के बारे में अवेयर होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ग्रुप बी एंड सी की अलग अलग तरह की वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं और वैकेंसीज़ की आज जो है लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म भर दीजिएगा एक बार फटाफट से। जो आप लोग मेन जो वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं उनके बारे में जान लीजिएगा। अलग अलग तरह की बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग संख्या में वैकेंसीज बताई गई हैं। सबसे पहले अगर आप सब देखेंगे तो जूनियर साइकोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैं आपको क्लर्क की भी और टेंथ बेस पे भी अलग अलग वैकेंसी बताऊंगा। यहाँ पे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की देखिएगा 38 वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए भी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 6 वैकेंसी जो हैं वो जेई सिविल की हैं। सिविल जेई की भी 6 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे जो हैं 6 वैकेंसीज हैं। जेई सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की है, फोटोग्राफर हैं। उसके बाद 46 वैकेंसी जो देखेंगे आप सब यहाँ पे तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 46 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन वाला पेज यहाँ पे दिया गया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ से आप सब जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। टेंथ बेस पर भी वैकेंसीज हैं, ट्वेल्थ पर भी वैकेंसीज हैं। ये देखिएगा ये वाला लिंक दिया हुआ है। रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे 8 वैकेंसीज हो गई हैं। आपके पास डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास पीजी होना चाहिए जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन के साथ। उसके बाद देखिएगा मल्टीपर्पज़ वर्कर, ये हो गया है MPSW के लिए। जिसके MPSW है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, या जिसने ANM क्वालिफिकेशन है या जिसके MPSW मेल फीमेल क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 10 वैकेंसीज है। रिटन टेस्ट होगा। टेस्ट का सिलेबस डिटेल कभी नहीं आता है, केवल आप सबको इतना बताया जाएगा कि 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा। 170 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो आपने ANM में पढ़े हैं, जो आपने MPSW में पढ़े वहाँ से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन बाकी जनरल आप सबसे पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें वहाँ से आने वाली हैं। तो ये इसका पैटर्न इतना ही बताया जाएगा आप सबको और बहुत जल्द इसका एग्जाम शेड्यूल आता है। ये आप यूँ मानेगा कि 3-4 महीने में तो ये भर्ती का प्रोसेस जो है इनको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर की जो यहाँ पे 13 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर की 13 वैकेंसीज हो गई हैं। उसके बाद देखिएगा वर्कशॉप टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 48 वैकेंसीज हैं। ये 12th बेस पर है। इसके साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग पहले पेपर रिटन होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद लाइब्रेरी गार्ड की वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी गार्ड के लिए 10th आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 11 वैकेंसीज मैकेनिक AC के लिए हैं। इसमें R&AC से आप सबके पास ITI होनी चाहिए, उसके विद अप्रेंटिस भी यहाँ पे लिखा गया है। सिक्योरिटी और फायर गार्ड के लिए वैकेंसीज है 11 और यहाँ पे आपके पास 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 10th आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। वर्कशॉप की वैकेंसीज देख लीजिएगा, 9 वैकेंसीज हैं वर्कशॉप की। इसमें आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो जाइएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज हो गई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मतलब कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, तब आप लोग यहाँ ये अलग अलग कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों 13 मई है। 13 मई तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी आज तक। फटाफट से अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फीस है इसकी वो भारी भरकम है, 3000 जो है इसकी फीस बताई गई है। दोस्तों एक बार मैं फीस वाला पेज भी आप सबको दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा। लेकिन बहुत कम कंपटीशन होता है, ये बात भी मैं आप सबको बताऊँ। बाकी सामान्य वैकेंसीज के लेके जो है यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन होता है। जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो लास्ट टाइम की 40 वैकेंसी जिनका अभी तक टाइपिंग टेस्ट नहीं होनी अभी की बात है, थोड़े दिन पहले ही निकली थी, तो 1500 के आसपास कैंडिडेट थे, 1500 के आसपास कैंडिडेट थे। तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे नहीं होता है, कि आप सबसे बहुत भारी भरकम कंपटीशन होता है। पहले आधे से ज़्यादा बच्चे तो 3000 फीस को देख के फॉर्म नहीं भरते हैं, 3000 फीस को देख के फॉर्म नहीं भरते हैं। और बहुत से लोगों अवेयर भी नहीं होते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है कि वैकेंसीज आई हुई हैं या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अपना भर दीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। लॉयल क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर अप्लाई का लिंक भी दिया हुआ है। अप्लाई का जो लिंक है दोस्तों ये वाला है, यहाँ पर जाके आप सबको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से जाके आप सब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू।